राजेंद्र कुमार की किस गंदी बात की वजह से नहीं मिली उन्हें फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, और किस अजीब बीमारी में लोग जिंदगी भर नहा नहीं पाते, और कैसी है दुनिया की सबसे महंगी सुपरकार, और किस एक्टर ने भरी थी अपनी बीवी की लिपस्टिक से मांग, और क्या है इस वैम्पायर जैसे दिखने वाली महिला का सच, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नंबर 12, 1950 में आई फिल्म जोगन से शुरुआत करने वाले एक्टर राजेंद्र कुमार को अपने जमाने का जुबली हीरो कहा जाता था। उनकी दीवानगी इस कदर छाई हुई थी कि सन 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए शशि कपूर से पहले भी राजेंद्र कुमार से पूछा गया था, लेकिन उनके एक जवाब ने उन्हें इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जी हाँ, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के डायरेक्टर राज कपूर इस फिल्म के लिए शशि कपूर से पहले राजेंद्र कुमार को लीड रोल में लेना चाहते थे, लेकिन जब राज कपूर ने फिल्म की स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई तो इस पर राजेंद्र ने राज को यह फिल्म न बनाने की सलाह दे डाली और कहा कि इसको मत बनाओ, ये फिल्म नहीं चलेगी। उनकी बातों को अनसुना करके राज कपूर ने स्क्रिप्ट से ही राजेंद्र कुमार को बाहर निकाल दिया और शशि कपूर और जीनत अमान को लेकर यह फिल्म बनाई और फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 11, आपने कई अजीबोगरीब बीमारियों के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने कभी किसी को पानी से एलर्जी होते हुए सुना है? सुनने में ही नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इंसानी शरीर 60% से ज्यादा पानी से ही बना है, पर इसके बावजूद दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पानी से एलर्जी है। इस कंडीशन को एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। ऐसे लोगों को पानी के संपर्क में आने से शरीर पर रैश हो जाते हैं। जिन लोगों को ये समस्या होती है वो शावर नहीं ले पाते, यानी नहाते नहीं है, क्योंकि उनकी एलर्जी बढ़ जाती है। नंबर 10, रोल्स रॉयस ला रोज नॉयर ड्रॉपटेल दुनिया की सबसे महंगी कार है, जिसकी कीमत $30 मिलियन लगभग $211 करोड़ रुपए है। प्रेम और रहस्य के कॉन्सेप्ट से प्रेरित होकर बनाई गई ये कार कारों की दुनिया का ताजमहल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ 2 सीटर सुपरकार है। अलग अलग एंगल्स से देखने पर ये अलग अलग रंग की दिखती है। कंपनी ने इस कार के केबिन को ट्रू लव रेड पेंट और गहरे शेड को मिस्ट्री नाम दिया गया है। इंटीरियर में दिया गया लकड़ी का पैनल जो काले गूलर की लकड़ियों से बनाया गया है, यहाँ तक कि केबिन में दिए गए लेदर पर भी उसके रंग में चमक और बनावट को बखूबी शामिल करने के लिए बारीक काम किया गया है। नंबर 9, कुछ समय पहले ही रऊफ अहमद ने मिड डे के साथ बातचीत में इनमें से एक शम्मी कपूर की पहली शादी का दिलचस्प किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया कि शम्मी गीता बाली से गुपचुप शादी कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि माता पिता इसके लिए राजी नहीं होंगे। गीता उम्र में शम्मी से बड़ी थी और अभिनेत्री थी, इसलिए उन्होंने जॉनी वॉकर की मदद लेने का फैसला किया क्योंकि जॉनी ने खुद अपनी पत्नी नूरजहां से गुपचुप शादी की थी। नंबर 8, दिखने में किसी वैम्पायर से कम नहीं लगती मेक्सिको की मारिया क्रिस्टर्ना, पर उनकी कहानी जानने के बाद लोग उनके बारे में बुरा नहीं सोच पाते। सालों तक घरेलू हिंसा झेलने के बाद भी जब मारिया की शादी असफल हो गई, तो उन्होंने अपने चेहरे सहित पूरे शरीर पर टैटू बनवाए और अपने माथे पर किसी जानवर के सींग की तरह इम्प्लांट भी करवाए, क्योंकि उन्हें दुनिया से अलग दिखना था। अब मारिया घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करती है ताकि उन औरतों को सब न झेलना पड़े जो कभी उन्होंने झेला था। नंबर 7, दुनिया भर में कई हीरे की खदानें हैं जहां से सैकड़ों की संख्या में हीरे निकाले गए हैं और उनकी बदौलत कई डायमंड कंपनियां काफी अमीर भी हो चुकी हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी भी हीरे की खदान है जहां कोई भी आम आदमी जाकर हीरों को खोज सकता है। और तो और, यहां जिस भी व्यक्ति को हीरा मिलता है वह उसी का हो जाता है। यह खदान अमेरिका के अरकानसास राज्य के पाइक काउंटी के मरफ्रेसबोरो में है। यहाँ के अरकानसास नेशनल पार्क में स्थित 37.5 एकड़ के खेत की ऊपरी सतह पर ही हीरे मिल जाते हैं। यहाँ वर्ष 1906 से ही डायमंड मिलने शुरू हुए थे, इसलिए इसे द क्रेटर ऑफ डायमंड्स भी कहते हैं। हालांकि इस हीरे की खदान में हीरा खोजने के लिए लोगों को एक छोटी सी फीस चुकानी होती है। यहाँ अधिकतर छोटे साइज के ही, जैसे 4 या 5 कैरेट के हीरे मिलते हैं। यहाँ लोग बड़ी संख्या में हीरे खोजने के लिए आते हैं। इसमें जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसे हीरे मिल जाते हैं और जिसकी किस्मत में नहीं होता उसे नहीं मिलते हैं। नंबर 6, इंटरनेट पर एक तथ्य काफी वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई दवा लेने के बाद अंगूर खा ले तो उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये तथ्य बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसकी वजह से दवाई खाने के तुरंत बाद अगर अंगूर खाए तो इंसान की मौत हो सकती है। इस पर कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि ऐसा नहीं होता है।
लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जो अंगूर से रिएक्ट करती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इससे इंसान की मौत हो जाए। इसके साथ अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। नंबर 5, हम सभी को लगता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, पर क्या आपको पता है कि पैसिफिक ओशन में हवाई के पास माउना किया नाम का एक पहाड़ है जिसका लगभग एक तिहाई हिस्सा समुद्र के अंदर है, वरना इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कहीं ज्यादा है। नंबर 4, आपके जीन्स के जेब के पास जो मेटल होता है उसे रिवेट कहा जाता है। इन छोटे बटन्स का राज जीन्स के इतिहास से जुड़ा हुआ है। बात साल 1829 की है, तब लिवाइस स्ट्रॉस जीन्स बनाने के मार्केट में नई कंपनी थी। लिवाइस स्ट्रॉस में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर जीन्स पहनते थे। जीन्स का कपड़ा रफ एंड टफ होने की वजह से आसानी से नहीं फटता था, लेकिन इसकी जेब के साथ मजदूरों को शिकायत थी। पैंट की जेब जल्द ही फट जाती थी। ऐसे में टेलर जेकब डेविस ने एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने जीन्स की जेब के किनारों पर छोटे छोटे मेटल के पुर्जे लगा दिए। जेकब ने जिस बटन को लगाया उन्हें रिवेट्स कहा गया। इस बटन को लगाने के पीछे पॉकेट को मजबूत बनाना था। अपने इस इजाद को जेकब पेटेंट कराना चाहते थे, लेकिन उनके पास इसके लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने साल 1872 में लिवाइस कंपनी को खत लिखकर बताया कि उनके पास पैसे नहीं है। इसके बाद कंपनी ने जीन्स की जेबों पर कॉपर के बटन लगाए। साथ ही कंपनी ने जेकब को अपने यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर भी बना दिया। नंबर 3, वैसे तो दुनिया में कई देश समुद्र के बढ़ते स्तर से परेशान है, लेकिन नीदरलैंड ने अपने समुद्री किनारों पर 1400 किलोमीटर की लंबी दीवारें बनाई है ताकि समुद्री पानी देश के अंदर दाखिल न हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर यह दीवारें हटा दी जाए तो कुछ ही घंटों में 40% नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। नंबर 2, जानवरों में कुत्तों को सबसे वफादार माना जाता है और इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त भी। वैसे आमतौर पर लोग कुत्ते पालते हैं तो वो उनका नाम भी कुछ न कुछ रख देते हैं, लेकिन एक शख्स को अपने 2 कुत्तों का नाम रखना भारी गया और उसे जेल की हवा खानी पड़ गई। यह पूरा मामला चीन का है। दरअसल 30 वर्षीय बेन ने चीन की सोशल मीडिया नेटवर्क वीचैट पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने कुत्तों का नाम चेंगुआन और जियागुआन रखा है। बेन ने कुत्तों के ये दोनों नाम चीन की सरकार और सिविल सर्विस अधिकारियों के नाम पर रखे थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चेंगुआन नाम छोटे मोटे अपराधों से निपटने वाले अधिकारियों से जुड़ा है, जबकि जियागुआन नाम सिविल सर्विस में ट्रैफिक असिस्टेंट की भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से जुड़ा है। बेन को नहीं पता था कि ये नाम रखना गैर कानूनी है और फिर उन्हें इसके लिए 10 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। नंबर 1, दुनिया भर में ऐसे कई पुल हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कहीं कहीं ये पुल देश की शान भी कहलाते हैं। ऐसा ही एक पुल भारत में भी ही है जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हैरानी की बात तो ये है कि इस विश्व प्रसिद्ध पुल का आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। यह पुल है कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। इस पुल को बने 76 साल हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर ही गिरा था, लेकिन यह ब्रिज तब भी ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा जैसे आज ही बना हो। 19वीं सदी में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरते हुए पुल बनाने को सोचा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में हुगली में रोजाना कई जहाज आते जाते थे। खंभों वाला पुल बनाने से कहीं जहाजों की आवाजाही में रुकावट ना आए, इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया। साल 1965 में कवि गुरु रवींद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रवींद्र सेतु रखा गया। इस पुल की खासियत ये है कि पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पिलर्स के बीच की दूरी 1500 फीट है। इन 2 पिलर्स के अलावा नदी में कहीं कोई पिलर नहीं है जो ब्रिज को सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।